सबसे पहले सर आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू तो वेरी सर काफी महीना हो गया जो ये जुली रुचि एंड थोली लोल इनका केस को लेके, तो अभी तक इसका क्या अपडेट है सर? मच। ये जो आपको केस है, थोड़ा सा इसकी मैं डिटेल्स इनिशियली बता दूं कि हमारे जो आलो पीएसएस में 5th ऑफ दिसंबर 2023 को रजिस्टर हुआ था। ये इनिशियली हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि किसी एक लड़की ने ओल्ड मार्केट एरिया के अंदर सुसाइड कमिट किया है एज पर हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। उसके बेसिस पे आईओ वहाँ पे पहुँचा है, उसने देखा है, विजिट किया है, आलो हॉस्पिटल उसको लेके गया है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, बट जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी एलिगेशंस लगाई कि सर दिस इज़ अ केस ऑफ मर्डर, और हमारे पास कई दिन से फ़ोन आ रहे थे कि मेरे ऊपर असॉल्ट हो रहा है। जो उनकी सिस्टर थे, उनके ब्रदर थे जो डिसीज के थे, तो उस पर आईओ ने दोबारा से पूरा जब सीन ऑफ क्राइम को विजिट करा और जितने भी सारे सीसीटीवी फुटेजेस थे और बाकी सारे जो भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते थे उसको एविडेंस को कलेक्ट किया। एंड इनिशियली बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन सुसाइड केस की थी, तो हमने उसको सुसाइड केस के अंदर ही रजिस्टर करा था जो सेक्शंस होते हैं आईपीसी के अंडर 306। बट लेटर ऑन जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया केस को, चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और चीज़ों को पता करा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने, उससे ये पता चला आफ्टर दी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड द मेडिकल रिपोर्ट्स दैट इट इज़ काइंड ऑफ अ केस ऑफ अ मर्डर। कहीं ना कहीं इंजरीज, इंटरनल इंजरीज थी उसमें, और मल्टीपल जो इंजरीज थी उसकी वजह से हैमरेज का रीज़न लिखा हुआ था जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन था। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव फाइल्ड अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 302 विच इज़ अ मर्डर केस। बट इस केस का अभी भी जो FSL रिपोर्ट है इट इज़ पेंडिंग। सो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी जाएगी फर्दर जब इसकी FSL की रिपोर्ट आ जाएगी। सो वी हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड दिस केस आफ्टर चार्जशीटिंग ऑल द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 302 एंड फॉरवर्डेड इट टू द कोर्ट। तो अभी इट इज़ अंडर ट्रायल इन द कोर्ट। सो जितना भी केस है ये सारा का सारा कोर्ट में अभी चल रहा है। ओके सर, जो ये केस के ऊपर एविडेंस था उसमें क्या क्या मिला था सर? एविडेंस एज सच बिकॉज एविडेंस तो हमारे पास मेनली सीसीटीवी फुटेजेस थे एंड विटनेस की स्टेटमेंट थी, वो हमने कहीं ना कहीं देखा या जो भी कुछ एग्जामिन करा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। उसके बाद उसको यही लगा बिकॉज जो सीन ऑफ क्राइम थे वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल के मार्क्स थे, तो उसके बेसिस पे सीन ऑफ क्राइम को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद, सब चीज़ को देखने के बाद वो ऑलरेडी कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिए हैं। सो दिस इज़ अ मैटर विच इज सब ज्यूडिस अंडर द कोर्ट। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो वी कैन नॉट शेयर।